नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली लड़कियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान बच्चियों ने पीएम नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी, वहीं पीएम बच्चियों को दुलारते दिखे। उन्होंने सभी के साथ ग्रुप फोटो शूट कराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज सुबह रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम में हिस्सा लेते दिखे। इस दौरान बटन दबाकर 29,523 बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम में बेटियों ने मुख्यमंत्री योगी को राखी भी बांधी। इस दौरान 10 बेटियों को कार्यक्रम में राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें चेक सौंपा और साथ में चॉकलेट भी दी। वहीं इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार का मानना है कि बेटी बेटी होती है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को मैं देखता हूं। यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, विभिन्न बोर्डों की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने सैकड़ों बालिकाओं और महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान महिलाओं ने चंद्रभान सिंह आक्या को राखी बांधी। चंद्रभान सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों में अध्यक्षों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ हर गांव की निर्धन महिलाओं के लिए भाजपा सुरक्षा राखी भेजी। इस अवसर पर सेवा बस्तियों से आई बालिकाओं ने विधायक को तिलक लगाकर मुंह मीठा कर श्रीफल भेंट कर रक्षा सूत्र बांधे। हापुड़ में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी ने इस पर एक्शन लिया है और सीएम की ओर से कमिश्नर मेरठ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद इसके सदस्य हैं। वहीं इस जांच कमेटी को मामले की गहराई से पड़ताल कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिवक्ता साथी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां दिन दहाड़े एक वकील की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को अज्ञात हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूद तहसील परिसर के अंदर चैंबर में घुसकर गोली मारी। घटना के समय मृतक मोनू अपने चैंबर नंबर 95 में खाना खा रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
शहर के व्यस्ततम चौराहे पर दबंगों की गुंडई देखने को मिली, जहां दबंगों ने मोबाइल दुकानदार से दुकान में घुसकर मारपीट की। वहीं दुकान में काम कर रहे दलित युवक के साथ मारपीट किया गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, जिसके साथ ही करीब आधा घंटे तक शहर की ट्रैफिक रुकी हुई रही। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी एनडी और इंडिया से गठबंधन नहीं करेगी। उसी दौरान मायावती ने कहा कि धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली गठबंधन पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बता दें, बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी पार्टियां आतुर हैं, लेकिन मायावती विपक्ष की पार्टी पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रही है। हापुड़ में हुए वकीलों के साथ मारपीट के मामले में हरदोई बार एसोसिएशन ने हड़ताल के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। बार एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वकीलों ने कलेक्ट्रेट में जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल हरदोई बार एसोसिएशन अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कचहरी से लेकर कलेक्ट्रेट कैंपस तक मार्च निकाला था। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष उदयवीर सिंह भदौरिया ने कहा कि हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर जिस तरह बर्बरता पूर्वक लाठियां भांजी गईं, ये बेहद निंदनीय है। प्रदेश भर का अधिवक्ता इस मामले को लेकर खामोश नहीं बैठेगा। अरे भाई, कर ज्ञापन दिया गया है, क्या है आपकी मांगे? जिला न्यायालय गाजियाबाद के डासना जेल में कैदियों द्वारा बड़े पैमाने पर राखियां बनाई जा रही हैं। कैदियों द्वारा बनाई गई राखियां गाजियाबाद के बाजारों मिल रही हैं। राखियां बनाने से कहीं ना कहीं कैदियों के आचरण में सुधार देखा जा सकता है। वहीं उनको जेल में स्वस्थ रोजगार भी मिल रहा है। इस पूरे मामले पर गाजियाबाद जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि हम कैदियों को तनाव मुक्त रखें और इस तरह से उनका रोजगार देने से कहीं ना कहीं उनके आचरण में सकारात्मकता भी देखी जा सकती है। राणासर के पास दो युवकों की कार से कुचलकर हत्या के मामले में सियासत गरमाने लगी है। मामले को लेकर दो दिनों से कुचामन पुलिस थाने के बाहर धरना जारी है, जिसमें दूसरे दिन विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ पहुंचे और राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों को मायावती ने खारिज कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लॉटिंग भी की गई थी। रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन के ख्वाब खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो फूल मन में खिलाए इंडिया बैठा था, वो बसपा प्रमुख मायावती ने तोड़ दिए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी की जा रही थी, मगर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि बहन जी ने कहा ना मतलब ना। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्ष रही है और इसीलिए इसमें गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। इंडिया वाले गठबंधन के
कई नेताओं का वैसे मानना था कि मायावती यूपी के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी दलित वोटों को अपनी तरफ खींच सकती है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो या फिर उत्तराखंड ही क्यों ना हो, मायावती के पास दलितों का ठीक ठाक वोट बैंक है। यही वजह थी कि कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दलों के नेता भी चाहते थे कि बहन जी गठबंधन का हिस्सा बने। सियासत की हर कला में माहिर मायावती बाखूबी जानती हैं कि कब दो कदम आगे चलना है और कब दो कदम पीछे हटना है। दरअसल मायावती के पास 10% दलित वोट बैंक, अति पिछड़े जातियों में ठीक ठाक पकड़, मुस्लिम और स्वर्ण वोट बैंक भी मायावती की झोली में है। ऐसे में मायावती के ऐलान पर विपक्षी खेमे में खलबली मचना तय है। बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है, आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में भी हाथी की दहाड़ सुनाई देगी। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना, विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान बीएसपी कर रही है। अब ये ऐलान इंडिया गठबंधन पर ब्रिज की तरह गिरा है, घाव बहुत गहरा है। अब इंडिया गठबंधन बेसहारा और बेचारा नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि बसपा के इस ऐलान का फायदा किसको मिलेगा? क्या वाकई में बीएसपी का इंडिया वाले गठबंधन से दूरी बनाने का ऐलान करना बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू जैसा है? दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को साधने वाली मायावती यूपी की सियासत में 80 सीटों पर अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ती दिखती हैं, तो इंडिया वाले गठबंधन का दम निकल सकता है। यानी मायावती के इस दाव से सियासी घमासान मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं अगली खबरों का। बागेश्वर में भाजपा की प्रत्याशी पार्वती दास को जिताने के लिए धामी सरकार के कई मंत्री बागेश्वर में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। प्रभारी मंत्री सौरभ अगुड़ा पहले ही दिन से बागेश्वर में हैं। अब सतपाल महाराज, रेखा आर्य और धन सिंह रावत भी प्रचार में जुट गए हैं। महाराज रोड शो के जरिए भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर के चुनाव में किसको अरमानों का बाग खिलेगा, इसके नतीजे पर समूचे उत्तराखंड की नजर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी की कोशिश है कि प्रचार अभियान को और धार देने की। भाजपा का हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक यानी आम से लेकर खास चुनावी प्रचार में जुटा है। ख्वाहिश ये कि ये दिवंगत मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई सीट पर हर हाल में कब्जा जमाना है, इसलिए बीजेपी ने सीट पर दिवंगत मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी को चुनावी मैदान में उतारा है और अब उनको जिताने के लिए मंत्री और विधायकों को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई है। बीते रोज कैबिनेट मंत्री सौरभ अंगुड़ा के साथ साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, खेल मंत्री रेखा आर्य, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी बागेश्वर में चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं और आने वाले दिनों में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल भी मुख्यमंत्री के साथ साथ बागेश्वर विधानसभा सीट के तमाम क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बागेश्वर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, आम और खास हर कोई चुनावी रण में हुंकार भर रहा है और दोनों ही दल जीत की हुंकार भर रहे हैं। बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ अगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे वहाँ के सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहाँ पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहाँ पर चुनाव प्रचार
कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहाँ की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। किसी के भी गले में अगर पटका डाले हुए देख रहे हैं तो उनको रोक रोक कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं, डंडे का जोर उनको दिखाया जा रहा है। 2 कार्यकर्ताओं के ऊपर तो धारा 107 116 का मुकदमा तक दर्ज कर दिया शांति भंग मामले में। मैं पूछना चाहती हूँ जिला प्रशासन बागेश्वर से कि भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने मुकदमा अभी तक किया या किसी धाराओं में उनको बुक किया है? क्या केवल शांति भंग कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे हैं? इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और भाजपा इस समय वोट नहीं कर सकती निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर को लूज करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो कुर्सी स्टेक पर लगी हुई है, इसलिए येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद वहां पर इस्तेमाल करके भाजपा जो है लोकतंत्र और संविधान दोनों को ताक पर रखकर वहां बागेश्वर में अराजकता का माहौल बनाए हुए। बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उसको देखते हुए चुनाव लोकसभा से पहले दोनों ही सियासी दलों के लिए 24 चुनाव की तैयारी का सेमीफाइनल हो सकता है। तभी तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि इस चुनाव की हार और जीत की गूंज 2024 के चुनाव तक सुनाई देगी, ये तय है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। त्योहारों को लेकर उन्नाव में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। छापेमारी कर खाद्य विभाग की टीम ने 8 से ज्यादा दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए और सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर दिविशा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रमुख ब्रांड पेट सफा के सौजन्य से एक कार्यक्रम का चंडीगढ़ कार्यालय में आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बैडमिंटन, ट्रिपल लैग समेत कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने सभी को खेल का हमारे जीवन में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खेलना न केवल शारीरिक रूप से हमारे लिए अच्छा होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें और मजबूत बनाने में मदद करता है। खेल व्यक्ति के अंदर प्रेरणा, साहस, अनुशासन और एकाग्रता लाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नियमित रूप से खेलना व्यक्ति को कई रोगों से मुक्त भी करता है। हमारे भारत में एक कहावत भी काफी प्रचलित है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।